कौन था मेघनाथ जिसे भगवान श्री राम भी नहीं मार सके, आइए जानते हैं। हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की, जिसमें इतने विभिन्न प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सिर्फ प्रत्येक चरित्र अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रामायण में बताए गए किसी एक भी चरित्र के जीवन में अनुसरण करे तो वह निश्चय ही अपने जीवन में ना तो कभी हार सकता है और ना ही कभी निराश हो सकता है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सबकी जुबान पर सुनते ही होंगे। एक महान योद्धा के रूप में देखे जाने वाला मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपने कोख से जन्म दिया था। उनको मेघनाथ नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। ऐसा बताया गया है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाथ प्रकट हुआ तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं थी, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उसका नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसके रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योति रावण था, उसे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान और योद्धा सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। मेघनाथ के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों के चाल को बदलने की कोशिश कर डाली। परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं, इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गया, ताकि मेघनाथ अजर अमर की उपाधि न प्राप्त कर सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना हक जमाने के लिए रावण स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाथ भी इस युद्ध में रावण के साथ था। तब एक जगह पर जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा तो मेघनाथ अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के ऐरावत हाथी को हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं को साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से जाना गया। मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले आया और अपने रथ में बैठा कर लंका ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही थे, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ही तैयार हो गए थे। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले की ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका के ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाए और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी जीव के लिए असंभव है, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि कोई दूसरा वर मांगो। इंद्रजीत अपने बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को कहा, यदि वह अपने मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रंथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजय नहीं हो सकता है और ना उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह भी कहते हुए भी सावधान किया था कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो तुम्हारा अंत कर सकता है, केवल वही जो 14 वर्षों तक न सोया हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण जी ही ऐसा मानव थे जो
इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।